वेलकम बैक। बातें हो रही हैं नारायण मूर्ति साहब से। नारायण मूर्ति साहब की कुछ बातें जल पुणे के दिनों की, कुछ और दिनों की सुधा जी ने बताई, लेकिन हम जो है सुधा जी की मुलाकात से भी पहले की बातों पर चलते हैं। जब नारायण मूर्ति साहब स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या माहौल होता था वो देखते हैं यहाँ। मूर्ति, हमारे पुराने स्कूल को देखेंगे, यहाँ हेडमास्टर का कमरा हुआ करता था ना। यहाँ मॉर्निंग प्रेयर किया करते थे और बीच बीच में बातें भी करते थे। मूर्ति, तुम्हें याद है ये 9th स्टैंडर्ड क्लासरूम, तुम यहाँ बैठते थे और तुम्हारे पास वो आर चंद्रशेखर बैठता था और मैं यहाँ बैठता था। ये है स्कूल का स्टेज, लेकिन हमारे लिए यही ब्लैक बोर्ड। और मूर्ति, यहाँ ज्योमेट्रिकल थ्योरम क्या करते थे। We know for a fact that you were a very bright student. मैं इसका सबूत देने के लिए पेश करता हूँ प्रभाकर जी को खुद। प्रभाकर जी, आइए आइए। प्रभाकर जी, आप उन दिनों से मूर्ति साहब के साथी हैं जब आप लोग साथ स्कूल में पढ़ते थे। शुरू ही से मूर्ति साहब क्या बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स में गिने जाते थे, बहुत सीरियस स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। बिल्कुल, मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे था। आज जो मैं प्रोफेसर हूँ इन्हीं के बदौलत, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या मूर्ति साहब कुछ शरारतें वरारतें भी करते थे स्कूल के बच्चों की तरह या नहीं? करते थे, उसमें हम चार थे और आपस में करते थे, और कभी कभी अध्यापकों से गाली भी खाते थे। बिल्कुल। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एक अध्यापक थे सोसले राजगोपाल अयंगार, वे जियोग्राफी पढ़ाते थे। एक कोकोनट हाथ में लेकर आते और पढ़ाते थे इसको, ये देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ जैसे बारिश होती है। और मूर्ति जो है उसके दोस्त और एक चंद्रशेखर, उससे बातें करने लगे थे आपस में। एक बार अध्यापक ने कहा चुप, लेकिन फिर भी वे चुप नहीं हुए। मूर्ति जब बातें कर रहे थे ना आपस में, देखा तो उसी कोकोनट से उसके सिर पर एक बार मारा। एक सेकंड, मैं जरा क्या, वो टीचर ने लेके कोकोनट मूर्ति साहब के सर पर मारा? प्यार से मारा था, गुस्से से नहीं, इसीलिए बातें कंटिन्यू। तो मूर्ति साहब, डू यू रिमेम्बर योर स्कूल डेज एज लाइक वेरी हैप्पी डेज? दे वर वेरी हैप्पी डेज। वी यूज्ड टू गो फॉर सिंपल प्लेजर्स लाइक यू नो गो टू ए रेस्टोरेंट and get a sada dosa for 3 paise and then ask for sambar 10 times before he would throw you out. And what were the sports and things that were you were fond of? Well, we used to play cricket. Actually, I must say that we used to play cricket. We had our own team, no? We had our own team. When we lost the thing, we had to sign there. So we wrote members of the Anonymous Cricket Club. Anonymous. And, yeah, they didn't understand that. They didn't know the word anonymous. But they were much better at cricket than we were. I used to be a spin bowler those days, so it was. But captain of the team. I used to be. But captain of the team. Yes, of course. Only 4 members we were there. Yeah. We played 3 matches and 2 we lost, 1 we won. That is on the record. लेकिन 4 member की क्रिकेट टीम कैसे होती है प्रभाकर साहब? होता था ना, 3-3 बार आउट होते थे।